राहुल गांधी को जिस तरह से रोका गया, कितना हद तक सही है? देखिए राहुल गांधी जी को मैं आपको कह रहा हूँ, राहुल गांधी उसको कहना, बार बार आप कह रहे हैं गांधी, ना वो गांधी है ना वो नेहरू है, वो खान है या फिर माननीय राहुल विंची कह सकते हैं आप उसको, वो गांधी कहीं से नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और जैसा मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा कि जिसके व्यक्ति के पास चार चार पासपोर्ट हैं, आपको मेरे को पासपोर्ट बनाना पड़ता है तो हमारे जूते घिस जाते हैं पासपोर्ट बनाने में। ये व्यक्ति राहुल खान चार पासपोर्टों के साथ घूम रहा है, कनाडा, इटली, भारत और एक कौन सा देश बताया था मैंने, इंग्लैंड। अब जिस व्यक्ति के पास चार पासपोर्ट हो, माननीय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा भारत का और हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है जिस व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट हो उसको जेल में होना चाहिए। तो राहुल विंची बाहर क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, मजाक बना रखा है और उसको हम अपना प्रधानमंत्री बना ले। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कितने पासपोर्ट है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास कितने पासपोर्ट है, माननीय राजनाथ सिंह जी के पास कितने पासपोर्ट है, इनके पास है, आपके पास, हम सबके पास जितने यहां खड़े हैं एक पासपोर्ट है, राहुल विंची के पास चार पासपोर्ट है। क्या करने जाता है वो चीन, चीन में उसका क्या मतलब है, हमें खतरा पाकिस्तान से नहीं, हमें चीन से खतरा। चीन में उसकी अंदर अंदर में क्या बातें करती रहती, रॉ इंटेलिजेंस कह रही है कि माननीय केजरीवाल जी के और राहुल गांधी जी के कॉल जाते हैं चाइना में और वो वहां पे कुछ पता नहीं क्या सीक्रेट टॉक्स उनकी चलती रहती है। मैं आपके माध्यम से भारत का नागरिक होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि वो क्या बातें करते हैं, उनको क्यों जानना है कि हमारे आर्मी के जवान बॉर्डर्स पे कौन कौन से पोस्ट पे खड़े हैं, वो कहां से क्या पार करते हैं, कहां ब्रिज बना रहे हैं, कहां हाईवेज बना रहे हैं, कहां टैंक्स पोस्टेड है, कहां पे हमारे एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट पोस्टेड है, ये कांग्रेस को क्यों जानना है जब वो पावर में नहीं है। अखिलेश ने भी एक सवाल दाग दिया है और आप कहते हैं कि राहुल गांधी और उसको रोका गया, उसको तो भारत से भी बाहर फेंक देना चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ द कंट्री विद होल्डिंग फोर पासपोर्ट्स। मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं और माननीय राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जी से, इस व्यक्ति को फटाफट जेल में डाल दिया जाए, नहीं तो भारत से भाग जाएगा। फिर आप इसको विजय माल्या की तरह ढूंढते फिरेंगे और ये नहीं आने वाला, और इसकी माता श्री और इसके जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा को जल्द से जल्द शीघ्र से शीघ्र जेल में डाला जाए। जमीनों पर इनके कब्जे, 70 साल इन्होंने भारत को लूटा, अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, कुछ किया नहीं इन्होंने देश के लिए। एक बेचारा चाय वाले का बेटा, बेचारा गरीब घर का निकला हुआ, काम कर रहा है, उसकी ना शादी, ना उसकी बीवी, ना बच्चे। दूसरा एक मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, किसके लिए करेगा चोरी वो, उसका कोई परिवार ही नहीं है बेचारे का, क्यों करेगा चोरी वो। अखिलेश और राहुल की जोड़ी का आप क्या नाम देंगे? एक पप्पू और एक टप्पू, टोटी चोर और ये वही है। क्या दिमाग है उस अखिलेश यादव के पास, आप मुझे बताइए। उसका पिता, मरहूम पिता, स्वर्गीय तो उसको कहना नहीं चाहिए, चलिए मरे हुए के लिए कहना नहीं चाहिए, जब किसी औरत का बलात्कार होता था ना, महिला का, बहन बेटी तो सबके घर में है ना, उसका मरहूम पिता कहता था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। क्या हो गया, किसी लड़की का बलात्कार हो गया, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और उसको ये नेताजी नेताजी कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। ये उसी का बेटा है। और राहुल खान जो अपने आप को कश्मीरी पंडित बताता, अरे तू कहां से कश्मीरी पंडित है, अभी मैं उससे गोत्र पूछ लूंगा, अपना गोत्र नहीं बता पाएगा वो, कौन सा कश्मीरी पंडित, कौन सा ब्राह्मण आपने देखा, अभी सनातनी तिलक लगाया हुआ, आप मुझे बताइए कौन सा सनातनी कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगा के आता है, कभी देखा आपने? जेब में हाथ डालता राहुल विंची और दिखाता मैं तो बड़ा गरीब हूं, मेरा कुर्ता फटा हुआ, तू क्या साबित करना चाहता है भाई? चाइना किसके पैसों पे जाता है, यूएस किसके पैसों पे जाता है, थाईलैंड किसके पैसों पे जाता है, तेरे बाप का पैसा है, तू घूमता फिरता रहता है, कभी तेरा बताते हैं तेरी बीवी थाईलैंड में है, कभी तेरी बीवी बताते हैं इंग्लैंड में है, कभी बताते हैं इटली में, कितनी बीवी है तेरी और कितने बच्चे हैं तेरे,
मैं तो भारत का नाग ही हूँ ना माननीय राहुल विंची जी, तो मुझे बता दीजिए आपकी कितनी पत्नी है और कितने बच्चे हैं। ऐसा व्यक्ति फ्रॉड, इनको इनको ये चाहते हैं आप हमारे नेता होने चाहिए। ऐसा ही केजरीवाल भी है गिरगिट, उसने अपना शीश महल बना लिया। जो व्यक्ति अपने बच्चों पे हाथ रख के कसम झूठ खा सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, बच्चों से बड़ा कुछ नहीं होता जी। लेकिन दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए चाणक्य से पूरे, पंडित चाणक्य से समझदार मैं नहीं मानता कि पूरी भारतवर्ष में, क्या पूरी दुनिया में नहीं कोई हुआ। जितने वो चालाक थे उनका लोहा सब मानते हैं। अगर वो चाहते खुद राजा बन सकते थे, लेकिन एक सड़क से उठा हुए लड़के को उन्होंने राजा बनाया और चारों दिशाओं में वो जीता भी। सत्य है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप भी पढ़े लिखे आपको पता। अब आप मुझे बताइए, आचार्य चाणक्य ने कहा था जब देश का राजा ईमानदार होता है ना तो सारा विपक्ष उसके खिलाफ हो जाता है।